वेलकम टू MSA एग्जाम। चलिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। शिक्षक बहाली के लिए आज से आंदोलन करेंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, सातवें चरण के बहाली के लेकर आंदोलन 1 तारीख से शुरू। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार की ओर से बहाली के लिए विज्ञापन जारी नहीं करने के विरोध में सोमवार से फिर अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है, जबकि सरकार ने 26 मई को ही जुलाई के अंत तक विज्ञापन जारी करने से संबंधित शेड्यूल जारी की गई थी। ऐसे में अब आंदोलन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये बातें इस दौरान धरना प्रदर्शन के अलावा आमरण अनशन भी किए जाएंगे। ये बातें बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कही। उन्होंने सरकार जानबूझ कर टालमटोल का आरोप लगाया सरकार पर। सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। पूर्व में आंदोलन होने पर जारी किया गया था शेड्यूल। दीपांकर गौरव ने बताया कि इससे पहले भी प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के तत्वाधान में 7 से 28 मई तक गर्दनी बाग में आंदोलन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से 26 मई को प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में मूल कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षक के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार और नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना करने का निर्देश 30 जून तक दिया गया था। उसके बाद जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु का क्लियरेंस 15 जुलाई और नियोजन इकाई एवं कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों को संपादित करने के लिए विस्तृत सूचना का विज्ञापन जुलाई अंत तक जारी करने की बात भी शामिल थी। हकीकत यह कि जुलाई समाप्त हो गया, लेकिन अब तक विद्यालय और नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना का आधिकारिक निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से 26 मई को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को जारी आदेश में इसे 30 जून तक ही पूरा करने का समय निर्धारित की गई थी। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष नितेश पांडे एवं पुष्पलता यादव ने बताया कि सातवें चरण प्राथमिक शिक्षक की विज्ञप्ति अतिशीघ्र जारी करने की मांग को लेकर सोमवार से अलग अलग जिलों के हजारों अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। नेताद्वय ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 75,000 शिक्षकों की रिक्ति है।